चलो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिकल पाथ एंड ज्योमेट्रिकल पाथ। देखो जैसे मैंने दो बच्चे को यहाँ खड़ा किया, एक बच्चा यहाँ एक बच्चा यहाँ, इसको वाटर या इस मीडियम को वाटर मान लो या ग्लास मान लो, चलो ग्लास मान लेते हैं, ठीक है। इस मीडियम को ग्लास हमने मान लिया, इस मीडियम को वैक्यूम मान लिया, ठीक है। ग्लास मान लो या वाटर मान लो, जो भी मानना चाहो मान लो। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो ये पानी है, अगर ये बच्चा पानी में मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और बच्चा मैदान में मान लो, वैक्यूम को मैदान मान लो, ग्राउंड मान लो, वो चलेगा तो बहुत तेज़ी से चलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया है स्नेल्स लॉ में ऑलरेडी, क्या डिस्कस किया है याद है, म्यू टू वन इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा जिस मीडियम का, वहाँ स्पीड कम होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला ज़्यादा है तो इसमें स्पीड कम होगी, वेवलेंथ भी छोटी होगी, दोनों वेवलेंथ भी छोटी और स्पीड भी कम। तो हाँ, अब लाइट रे जब इसमें ट्रैवल करेगी तो वेवलेंथ छोटी छोटी बनेगी, छोटी छोटी वेव बनेगी, बनेगी ना। देखो यहाँ से यहाँ तक एक वेव, यहाँ से यहाँ तक दूसरी वेव, यहाँ से यहाँ तक तीसरी, फिर यहाँ से यहाँ तक चौथी, फिर यहाँ से यहाँ तक पाँचवीं, और ये मान लो पाँच साढ़े पाँच वेव, फाइव एंड हाफ वेव बनी यहाँ से यहाँ तक जाने में, फाइव एंड हाफ बनी। अब यहाँ पर जो, क्योंकि ये वैक्यूम है तो इसमें वेव लेंथ बड़ी बनेगी, यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यहाँ से यहाँ तक दो, यहाँ तीन, फिर यहाँ चार, और फिर पाँच और साढ़े पाँच कहीं आगे मैंने जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग साढ़े पाँच उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना अब जो मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक मान लो टी टाइम में ट्रेवल किया है, यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में ट्रेवल किया है एक्स डिस्टेंस। तो ज्योमेट्रिकल पाथ कहा जाएगा किसी मीडियम में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वेव टी टाइम में, वो क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल पाथ कहलाएगा, याद रहेगा। अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम, यानी वैक्यूम में नहीं, हम बात कर रहे हैं पानी में या ग्लास में या किसी ऑयल में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो लाइट ट्रेवल कर रही है टी टाइम में, उसको ज्योमेट्रिकल पाथ कहते हैं। लेकिन वही लाइट जब वैक्यूम में चलती है, उतने ही टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उतने ही टाइम में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। अब ज़रा देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले को ध्यान में देखो, म्यू टू वन इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब डिस्टेंस के साथ फॉर्मूला स्पीड के साथ क्या होगा, वी वन अपॉन वी टू। तो v1 इज इक्वल टू क्या होता है, x1 वन अपॉन टी, और v2 इज इक्वल टू क्या होता है, x2 टू अपॉन टी होता है, ठीक है। इस डिस्टेंस को आप x2 टू कंसिडर करो, x2 टू इज इक्वल टू दिस। अब ये जो वैक्यूम में जो ट्रेवल की है डिस्टेंस, उसकी वैल्यू को x1 कहो और उसको x डैश कंसिडर कर लो। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो x1 वन बाई टी अपॉन x2 टू बाई टी, टी टी कट जाएगा, x1 वन बाई एक्स टू आएगा। अब x1 की वैल्यू है कितनी, x डैश, और x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू x है। यानी म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू x डैश अपॉन x। x क्या है, वैक्यूम में लाइट रे कितना ट्रेवल की है t टाइम में, जितना टाइम इसको मिला था उतना ही टाइम इस बच्चे को भी मिला, तो वो इतना दूर ट्रेवल करके चला गया, ठीक है। जबकि इस बच्चे को जो टाइम मिला था उसमें वो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, करेक्ट है, क्योंकि सेम फ्रिक्वेंसी साढ़े पाँच फ्रिक्वेंसी हुई ना, यहाँ से यहाँ तक साढ़े पाँच फ्रिक्वेंसी, फाइव एंड हाफ, इसमें भी फाइव एंड हाफ फ्रिक्वेंसी मिली उसको, और उसका वेवलेंथ इसका वेवलेंथ बड़ा है तो ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही टाइम में चला गया। तो अब देखो ज़रा, हमको एक्स डैश निकालना, तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स म्यू टू अपॉन म्यू वन, यानी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स म्यू टू वन बोला जाएगा ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, x डैश इज इक्वल टू एक्स म्यू टू वन, यही तो बोला जाएगा। यानी x डैश का मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, x इंटू म्यू टू वन, म्यू टू वन हुआ कि नहीं हुआ,
और इस डिस्टेंस को बोला जाता है ऑप्टिकल पाथ। इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल पाथ। यानी वैक्यूम में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, उसको ऑप्टिकल पाथ बोला जाता है। और उतने ही टाइम में किसी और मीडियम में, चाहे वो पानी हो चाहे वो ग्लास हो, उस मीडियम में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको ज्योमेट्रिकल पाथ बोलते हैं। ये ध्यान रखना है दोनों का टाइम सेम है, दोनों को जो वक्त मिला दोनों को सेम टाइम मिला। हाँ, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और इसकी डेंसिटी कम है, वैक्यूम है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इसीलिए ऑप्टिकल पाथ एक्स टाइम होता है, एक्स टाइम ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। पॉइंट याद रहेगा, भूल जाओगे, चलो नोट करो जल्दी से।